कितना लगता है बेनिया का? 30। अच्छा, रिजर्व में 100 रुपये, एक आदमी का 30 रुपये। बैठा लीजिए इनको तो अपना बढ़िया रहेगा, बैठा के चलो। हाँ, तो दर्शन करने जा रहे हैं और क्या। हाँ, वही घाट वोट पे जाएंगे दर्शन। क्या काल भैरव? अच्छा, मैदागिन पे है काल भैरव। अच्छा, चलो भाई बेनिया बाग। अच्छा भाई, काल भैरव शायद हमने कभी गया नहीं है। काल भैरव तो गंगा घाट और वहीं जाते हैं हम लोग। विंध्याचल तो बहुत दूर है, और बोधी घाट, अरे ये क्या बोलते हैं, अरे ये भाई सारनाथ, सारनाथ, सारनाथ उधर। सारनाथ भी अच्छा है। हम कहीं ठहरे नहीं हैं, हम लोग का घर ही यहीं पर, पर हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग बम्बैया वाले हैं। हम लोग का घर जो है वो महावीर मंदिर नहीं है, पांडेपुर के वहीं पे है, पर हम लोग बहुत सालों हो गए हम लोग को यहाँ आए हुए। ये जो है पहले देखो, ये कॉटेज हाउस, पहले यहाँ पे मूवी हॉल थी ना, देखो पिक्चर हॉल था यहाँ पे ना, अच्छा हाँ टकसाल, छोटे छोटे बन गए थे तो याद है कि एक बाल बन जाने के कारण जो है अब चक्कर बहुत हो गया है, तो यार आ बैठे नहीं, इधर आ जाओ आगे गया था सही बात है। दिल्ली दरबार कितनी इतना बड़ा हो गया, ये पहले वो छोटा सा था। तुम इधर आते हो कि नहीं आते हो? नहीं आते यूपी का जगह है जाना ना, बी एच यू साथ। ये
दी है, क्यों भाई एक घंटा के रास्ते पर हो गए यहाँ से पहुँचे। अभी तक नहीं बना ये सड़क। तो पकड़ के रखना है, नहीं तो ये इतना ऐसे ऐसे चल रहा कि इसका भी एक मजा है, गुटका खाते रहे। जब यहाँ आता हूँ तब मेरा सपना टूट जाता है। देखिए सही बात है, सही है ना, मतलब आपका परसेप्शन कुछ और रहता है, होता कुछ और। हाँ हाँ बस वही है, मैं सोचता रहता हूँ मोदी जी ने आपको बनारस को एकदम बिल्कुल एकदम हाई क्लास का जो है बना दिया होगा, कर दिया होगा, वो कर दिया होगा। जब यहाँ पहुँचे आदमी तो देखा कुछ और। पता नहीं चलता है।
और वो अगर जिंदा बच भी गया ठीक है तो फिर उसके बाद दूसरी बार वो काम नहीं करता क्योंकि उसको पता है नेक्स्ट टाइम इस बार तो गलती से बच गया। पहले यहाँ भी मूवी हॉल था यहाँ पे होना चाहिए थे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। काल भैरव बाबा बता रहे थे देखा जाएगा किधर है बताइएगा किधर है हम लोग चले जाएंगे मैदागिन पे बता दीजिएगा नहीं ले जाने देंगे आ गया आपको काशी जाऊँगा।